अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से जागरूकता रथ को लेकर, जहां रीवा जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए हैं। उक्त कार्यक्रम कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की उपस्थिति में शुरू किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि हेलमेट अभियान को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखें, ना कि चालान और पुलिस के डर से। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं समीक्षा बैठक के साथ साथ जागरूकता अभियान को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा है। ए बेटा, ए दिशा, आगे आगे रहते हो आप। आप सभी के सहयोग से जो वातावरण रीवा जिले में निर्मित हुआ है, उसके बड़े ही सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। न केवल शहर में बल्कि एरियाज में भी, हाईवे में भी लोगों ने बड़ी संख्या में हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि इसको एक ज़बरदस्ती का कानून पालन कराने वाला और चालान से डर कर करने वाला अभियान न रहे, बल्कि ये जन जागरूकता का इशू रहे, घर परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो आप सभी के माध्यम से बहुत ही अच्छा इसका प्रचार हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि ये बात गांव-गांव तक पहुंचे, घरों-घरों तक पहुंचे, ताकि लोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें और जब फोर व्हीलर चलाएँ तो सीट बेल्ट का भी प्रयोग करें। बिंदुओं पर जिले की समीक्षा हुई है तो जिले की प्रगति अच्छी रही है और जो कमियां पाई गई है उन कमियों पर भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त किया है कि हम लोग और बेहतर प्रयास करके काम करेंगे। जिले के कानून व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो किलकारी अभियान में विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण रीवा जिला 40-42 अंकों से ऊपर उठकर दूसरे नंबर पर आया है, उस अभियान की उन्होंने तारीफ़ की है और आयुष्मान कार्ड जो बड़े हैं बड़े पैमाने पर, उस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। हनवना के इलाके में विद्युत विभाग से संबंधित एक उपयंत्री की कार्यप्रणाली पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की है और उनको निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उनके निलंबन की कार्यवाही कर दी गई है और निलंबन के आदेश भी PRO के माध्यम से आप सभी को तत्काल पहुँच जाएंगे।